दोस्तों नमस्कार जोहार, मैं आशीष कुमार ग्रोव मोरफिश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बच्चों में तीन प्रकार के कुपोषण देखे जाते हैं, जो है अंडरवेट या कम वजन, स्टंटेड ग्रोथ या बौनापन तथा वेस्टिंग या दुबलापन। इन्हें दूर करने के लिए बच्चों के भोजन में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों का रहना जरूरी है। आपको मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कुपोषण के शिकार अधिक हैं, जिन्हें दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी विद्यालयों में उन्हें सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन या मिड डे मील दिया जाता है। पोषण को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आसाम सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत कामरूप जिले में 55 आंगनबाड़ी केंद्रों और 43 लोअर प्राइमरी स्कूलों में 3 से 10 वर्ष के 3,000 बच्चों को 2022-23 से भोजन में मछली का पाउडर मिलाकर देने का काम किया और उन पर हुए प्रभावों का अध्ययन किया। इसे मत्स्य परिपुष्टि योजना का नाम दिया गया। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और आसाम एग्री बिजनेस और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट एपार्ट के द्वारा चलाया गया, जिसमें तकनीकी सहायता एक विश्व स्तरीय गैर सरकारी संगठन वर्ल्ड फिश के द्वारा ली गई। योजना में कामरूप जिला का प्रशासन, जिला प्रशासन, मत्स्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, कॉलेज ऑफ फिशरीज, कुछ स्वयंसेवी संगठन और मत्स्यजीवी सहयोग समितियां संयुक्त रूप से भाग ली और योजना को सफल बनाया। इसमें महिलाओं से मछली, विशेषकर मोला और पोठिया मछली लेकर मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के द्वारा मछली से वर्ल्ड फिश के बताए गए तरीके से पाउडर बनाने का काम किया गया। इस प्रक्रिया के लिए विधिवत FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अनुमोदन और लाइसेंस भी प्राप्त किया गया। फिर इस पाउडर को बच्चों के खाने में मिलाकर उन्हें खाने के लिए दिया गया। अध्ययन से पता चला कि मछली के पाउडर युक्त भोजन खाने वाले बच्चों में कुपोषण या मेल न्यूट्रिशन में 3.63%, अंडरवेट या कम वजन में 5.46%, बौनापन या स्टंटिंग में 5.46% और दुबलापन या वेस्टिंग में 1.67% की कमी आई। बच्चों का औसत BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 15.54 से बढ़कर 16.11 हो गया। बच्चों का औसत वजन भी 23.83 किलो से बढ़कर 25.12 किलो हो गया और औसत ऊंचाई 122.83 सेंटीमीटर से बढ़कर 123.95 सेंटीमीटर हो गया। कामरूप जिला के जिलाधिकारी कीर्ति जाली के द्वारा बताया गया कि आसाम के लोग मछली खाना पसंद करते हैं, इसलिए वे एक ऐसा कार्यक्रम चलाना चाहती थी जिससे बच्चों को उनके पसंद का भोजन भी मिले और स्थानीय मछली पालकों को रोज़गार भी मिल सके। उन्होंने कहा कि 100 ग्राम मछली पाउडर की कीमत 100 ग्राम अंडे से कम है, इसलिए उपलब्ध कराना सस्ता भी है। आप जानते हैं कि मछली के पाउडर में पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, लिपिड, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन और जिंक के साथ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में रहने के कारण पोषण में सहायता करता है। असम के इस प्रयास की सफलता पर अन्य राज्य सरकार भी अपने राज्य में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से लागू करने पर विचार कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छी योजना है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसके संबंध में और अधिक यदि आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं प्रयास करूंगा उनका उत्तर देने का। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। पुनः एक बार धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।